फईदा कदई तुम मनासी का कुम फिर जब अपने हज के काम पूरे कर चुको हज पूरा हो जाए फज्ला तो अल्लाह का जिक्र करो का जिक्र कुम आबा अकुम अव अशद जिक्रा जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे बल्कि इससे भी ज्यादा समानी जालियत में ये होता था कि उन्होंने हज को तो एक मेला बनाया हुआ था सिर्फ एक रसम बनाई हुई थी जब वो हद से फारिग हो जाते तो खाने काबा के मुख्तलि कबीले टोलिया बना के जमा हो जाते और अपने बाप दादाओं के कारनामे सुनाते तो फरमाया कि तुम्हे ये नहीं करना बल्कि अल्लाह का जिक्र करना है जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते थे उससे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना है फमीन नासी मै यकूलो और कोई आदमी यू कहता है रबना आती ना फिर दुनिया ए हमारे रब हमें दुनिया में दे पमाल फिर आखिरक और आखरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं, नहीं।, नहीं दुआ मांगने वाला काफिर है और वो सिर्फ दुनिया मांगता है क्यूँकि आखरत पर तो वो यकीन भी नहीं रखता और चूंकि काफिर है और जब उसका खात्मा कुर पर हुआ तो आखरत में उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं इसमें हमारे लिए ये तमबी जरूर है कि हम जब दुआ मांगे तो सिर्फ दुनिया के लिए दुआ ना करें बल्कि दीन के मामला कब्र आखरत के लिए भी दुआ लाजमी करें करे वकुल आतीना हसना और कोई यूं कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे व आखिरत हसना और हमें आखरत में भलाई दे वना आजा बंडार और हमें अजाबे से बचा ये वो दुआ है जो जामे दुआ है अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि मैं मुकम्मल दुआ मांग लूँ हर चीज मांग लू जो मुझे मांगनी चाहिए तो उसे चाहिए वो ये दुआ पढ़े नबी सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम अक्सर ये दुआ आप मांगा करते और बहुत कसरत से मांगते हजूर गजमी की किताब है अलफानी जिसमे हजूर गौ आदम आजम रदी अल्लाह के मवाज है आपके दुरुस्त है आपने जो दर्श लिये वो मौजूद है तो वहाँ दर्श के दौरान गौ से आजम दुआ मांगते हैं मसला अगर तकवे का जिक्र हुआ तो आप यूं दुआ करते हैं अल्लाह में तकवाता फरमा तो आप देखें अलफुल रब्बानी में की आपने अगर तकवे की दुआ की है तो साथ में ये दुआ लाजमी फरमाते है रबना आतीना फिदिया हसना

यानी जो उन्होंने दुआ की है उस दुआ का सिला अल्लाह फरमाएगा दुनिया में भी और आखरत में भी वल्लाहु सरीउल हिसाब और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है वा है्याम मादूदात और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में अमूदात से मुराद अम तशरीक है तो इसमें हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक पड़ी जाती है नौ जिलेजा से लेकर तेरह जिलेजा की असर तक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अकबर अल्लाह वो नमाज जो जमात से पढ़ी गई उसमें हर नमाज के बाद एक दफा पढ़ना वाजिब है और तीन दफा पढ़ना अफजल है ये हाजियों के लिए भी यही हुक्म है और जो हज पर नहीं जा सकते तो उनके लिए भी यही हुक्म है नौ जिल से लेकर तेरह जैलजा की असर तक और दूसरे ये कि इन अयाम में शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं और कंकरियां मारते वक्त कहा जाता है बिस्म अकबर फिर इन अयाम में मिना में इंसान क्याम करे नमाज़ अदा करे कुरान पाक की तिलावत करे अल्लाह का जिक्र करे बज करो फी अमी मादूदाद और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में अयााम मादुदात के बारे में तफसर में हजरत खाजन रद्ला लिखा कि अयाम मादुदात से मुराद ग्यारह जल्हिजा बारह और तेरह जल्हिजा है और इस कौल के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत हसन बसरी हजरत अता हजरत मुजाहिद हजरत कताद हैं इनका ये मौकफ था की अयाम मादुदास मुराद ग्यारह जलहिजा बारह और तेरह जिलहिजा है तो जो जल्दी करके दो दिन में चला जाए फला इसम आलई उस पर कुछ गुना नहीं ग्यारह और बारह को रमी करने के बाद बारह तारीख को रमी करने के बाद वो चला जाए और तेरह की रमी ना करे तो कोई हरज नहीं वमन ताखरा और जो रह जाए फलाइस मई तो उस पर भी कोई गुना नहीं बाद लोग ये कहते थे कि जिसने तेरा की रमी की उसको हज का सवाब नहीं मिलेगा और बास कहते थे जिसने तेरा की रमी नहीं की वो हज की कबूलियत से महरूम हो जाएगा तो कलन मजीब फुकान हमीद ने दोनों का रद्द किया तेरा की रमी करना जरूरी नहीं अगर करें तो फजीलत है और ना करें तो भी कोई हरज नहीं मगर जब इंसान हज के लिए गया है तो फिर इस सुनने से मारूमी क्यों हो तो चाहिए कि वो तेरा की रमी जरूर करे ताकि फजिलतें हासिल हो परहेजगार हो यानी गुरूर और तकबर के साथ वहाँ पर क्या करना और फखर करना जी हमने तेरा की रमी की तो उसे तो फजिलत नहीं नसीब होगी या वो यहाँ कयाम के दौरान किसी पे जुल्म करे तो ये चीजें तो गलत है वो क्याम करे अगर तेरा की रमी करे किसी पे जुल्म ना करे गुरूर तकबर न हो फ्र रिया न हो और अगर जल्दी चला जाए तो भी जाते हुए उन लोगों को मलामत न करे कि जो नहीं आते तो ना जाने वालों को मलामत किया जाए और ना ठहरने वालों को मलामत किया जाए वकुल्ला और अल्लाह से डरते रहो